hello children in last video we learnt about new method of multiplication that is verti vertical method and we multiplied three digit numbers by one digit in this video we will learn multiplying two digit numbers by two digit so here we will do both the method Lattice method also and vertical method also. And we will compare which is very easy and very small. So, first of all, we will do this multiplication by lattice method. But, मैं आपको यहाँ पर जो पुरानी आपकी मेथड थी लैटिस मेथड से जो आप कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन उससे भी आपको मल्टीप्लीकेशन करके बताऊंगी और दूसरा जो आपने अभी नई मेथड मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस किया उस मेथड से भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मेथड में आपको थोड़ा कम काम करना पड़ता है थोड़ा जल्दी आप कौन सा वाला मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ओके सो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट मैथड लेटिस्ट मैथड थर्टी सेवन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी सेवन इन दिस मेथड वी आर राइटिंग थर्टी एंड सेवन सेपरेटली ये थर्टी थ्री थ्री टेंस है तो हम उसको थर्टी लिख रहे हैं सेवन यूनिट है तो उसको सेवन लिख रहे हैं एंड मल्टीप्लाइंग बाय ट्वेंटी सेवन सो वी विल राइट हियर ट्वेंटी एंड सेवन एंड वी विल स्टार्ट एवर मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम यूनिट प्लेस फ्रॉम सेवन वी विल मल्टीप्लाय दिस 7 7s are 49. So we will write here 49. Then we will multiply this 30 by 7. So 7 0 is 0. 7 3s are 21. Okay. Now we will start our multiplication by 20 T units. Uh, multiplication of unit places finished now we will start by tens so we will write here zero up tens two tens and we will multiply by only two two sevens are 14 hum kya kar rahe hain bacche बच्चों की जो ट्वेंटी है two tens है ट्वेंटी का zero हमने पहले ही डाल दिया इसलिए हम टू से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे टू sevens सर फोर्टीन और हमारा आंसर होगा नाउ हियर आर ऑफ ट्वेंटी एंड वन जीरो टू जीरो आएंगे क्योंकि यहां भी थर्टी है तो हम थर्टी में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी और ट्वेंटी है तो ट्वेंटी से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे ओनली टू एंड थ्री को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू थ्री सिक्स ओके सो गॉट धिस मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट नाउ वी विल एड धिस एंड वी विल गेट द आंसर अभी हमको ये पूरा मल्टीप्लीकेशन मिल गया ट्वेंटी से भी कर लिया सेवन से कर लिया अब हम क्या करते हैं सब ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसको हम एड करते हैं सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल बिग नंबर्स सिक्स हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू हंड्रेड एंड टेन इसको भी एड करेंगे एंड देन फोर्टी नाइन सो वी विल राइट फोर्टी नाइन इन टें्लस फोर एंड यूनिट प्लस नाइन आपको बराबर से लिखना है फोर्टी नाइन आप अगर हंड्रेड की प्लेस में फोर लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा दैट यू नो वेरी वेल नाउ वी विल एड दिस

नंबर्स को ऐड भी करना पड़ा नाउ वी विल डू अवर मल्टीप्लीकेशन बाय अवर न्यू मैथड अभी जो आपको मैंने नई मैथड सिखाई थी दैट इज वेरी यूजफुल फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपको आगे की सभी प्रॉब्लम्स के लिए यही मेथड यूज करनी है एंड इट इज वेरी यूजफुल इन ऑल द क्लासेस ऑफ द नेक्स्ट क्लासेस जैसे आप आगे बड़ी क्लास में भी जाओगे तो आपको यही मेथड का यूज करना है सो दिस इज अवर वर्टिकल मेथड थर्टी सेवन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी सेवन यहाँ हम लोग अलग अलग लिख रहे थे लेकिन यहां हमने वैसा नहीं लिखा सिर्फ हमने यूनिट की प्लेस में यूनिट और टेंस की प्लेस में टेंस लिख दिया है हियर थ्री टेंस मीन्स थर्टी हमने थर्टी नहीं लिखा क्या लिखा थ्री टेंस यहां टू टेंस मींस ट्वेंटी ओके नाउ वी विल स्टार्ट अवर मल्टीप्लीकेशन And we will start our multiplication by unit place. Always you start your multiplication from unit place. So in unit place here is 7. And we will multiply unit place. 7 7s are 49. So we will not write here 49. This is 49. In 49, 9 is unit. So we will write only unit here. And this force, this four are Tens. So we will carry on this four in tens place. हमको क्या करना है ये फोर को कैरी ऑन करके tens में लिख देना है नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस थ्री बाय सेवन सेवन थ्री ट्वेंटी वन जब हमारा ट्वेंटी वन का प्रोडक्ट आ गया है देन वी विल एड दिस फोर सेवन थ्रीज आर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एंड फोर इज ट्वेंटी फाइव सो नाउ वी विल राइट हिस्टी फाइव ओके ये हमारा यूनिट प्लेस से मल्टीप्लीकेशन खत्म हुआ अब हमको टू टेंस से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है टू टेंस मीन्स ट्वेंटी बट वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग बाय ट्वेंटी सो वी आर कीपिंग हियर जीरो फॉर ट्वेंटी क्योंकि हम ट्वेंटी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बट टू टेन से यानी ट्वेंटी है तो हम उसके पहले ही ये जीरो यहां रख रहे हैं दिस इज दिस जीरो इज ऑफ ट्वेंटी क्या का जीरो है ये ट्वेंटी का जीरो है कि हमने जीरो पहले से ही लिख दिया नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय टू हम अब टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हमारा जीरो यहां पर लिखा हुआ है नाउ टू सेवन सार्टीन टू सेवन आर फोरटीन सो वी विल राइट फोर इन दीज आर फोर्टीन टेंस दीज आर फोर्टीन टेंस क्योंकि टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर ये टेंस है बट वन क्या हो गया हंड्रेड बट वन इज हंड्रेड सो वी विल कैरी ऑन दिस वन टू दैक्स्ट प्लेस We will carry on this one to the hundredth place. Now, we will multiply this 3 by 2. Two threes are 6. 6 and 1 is 7. Okay, now we will add this both the numbers, both the products. 9 plus 0 is 9. 5 plus 4 is 9 2 plus 7 is also 9 so our answer is 999 37 multiplied by 27 equals 999 so in this method we only we are adding only two numbers and our multiplication is ऑल्सो वेरी नॉट वेरी बिग इट इज ऑल्सो लिटिल मच बिग यानी यही जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया है या हमको थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा पर हम यहां देख रहे हैं कि हमको वन टू थ्री फोर टाइम मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा और इस इधर हमको टू टाइम मल्टीप्लीकेशन करके हमने आंसर निकाल लिया सो so यही मेथड जो है ये आगे तक चलती है इसलिए हमको दिस ये मेथड को ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है सो इन योर बुक देयर इज ऑल्सो सम प्रॉब्लम सो फर्स्ट प्रॉब्लम आई टोल्ड यू इन द कॉपी हाउ टू मल्टीप्लाई मैंने ये पहला वाला प्रॉब्लम आपको कॉपी में आपके करके बता दिया है ये सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी आपको मैं यही करके बताऊंगी बुक में ओके okay? एंड आगे की जो प्रॉब्लम है देयर आर थ्री

ओके सो फर्स्ट वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम यूनिट प्लेस एंड इन यूनिट प्लेस देर इज टू टू सेवन आर फोर्टीन सो वी विल राइट हियर ओनली फोर एंड वन वी विल कैरी ऑन यहाँ कैरी ऑन करेंगे बिकॉज इन फोर्टीन फोर आर यूनिट एंड वन इज टेंस नाउ टू सिक्स आर टू सिक्स आर ट्वेल्व ट्वेल्व एंड वन इज थर्टीन सो so, हमने यहां लिखा थर्टीन नाउ अपना यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन था वो कंप्लीट हुआ अभी हम नाइन टेन्थ से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं सो व्हाट विल वी डू फर्स्ट वी विल पुट हियर जीरो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी स्टार्ट आवर मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम टेंस सो वी शुड ऑलवेज पुट वन जीरो इन यूनिट प्लेस हमको यूनिट प्लस पे जीरो रखना है बिकॉज हम नाइन टें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो नाइन टेंींस नाइनटी, सो हमने यहाँ पहले ही जीरो डाल दिया तो इसका मतलब है कि हम पूरा मल्टीप्लीकेशन नाइनटी से कर रहे हैं सो ये हमको बिल्कुल याद रखना है और यदि हम थ्री डिजिट लेते मान लो यहां पर वन टू नाइन्टी टू रहता तो जब हम हंड्रेड uh, की प्लेस से मल्टीप्लीकेशन करते तो हमको यूनिट में भी जीरो लिखना है टेंस में बिकॉज़ हंड्रेड प्लेस गेट्स टू जीरो हंड्रेड में क्या रहता है टू जीरो तो हमको पहले टू जीरो डालना है बाद में वो प्लेस से मल्टीप्लाई करना है ओके सो ना वी विल स्टार्ट अवर मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम नाइन नाइन सेवन आर सिक्सटी थ्री इन सिक्सटी थ्री थ्री आर टेन्स एंड सिक्स इज हंड्रेड सो वी विल कैरी ऑन धिस सिक्स इन हंड्रेड प्लेस कहां पर देंगे वो हम कैरी ऑन कहा करेंगे क्योंकि सिक्सटी थ्री टेंस मीन्स सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी होता है सिक्सटी थ्री टेंस है ये दैट मींस सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी एंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी में थ्री टेंस है तो थ्री हमने यहां लिख लिया नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस सिक्स बाय नाइन सो नाइन सिक्स आर फिफ्टी फोर नाइन सिक्स आर फिफ्टी फोर एंड वी हैव दिस कैरी ऑन नंबर जो अपन ने कैरी किया था हंड्रेड में सिक्स वो भी हमको फिफ्टी फोर में मिलाना है सो फिफ्टी फोर प्लस सिक्स इज सिक्सटी सो हियर इज आई रोट सिक्सटी ओके बच्चों मैंने क्या किया कि नाइन सिक्स इज नाइन सिक्स आर फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में जो कैरी ऑन नंबर रहता है उसको मिलाना पड़ता है तो हमने मिलाया फिफ्टी फोर और सिक्स को तो सिक्सटी नाउ वी विल एड दिस बोध द नंबर एंड वी विल गेट द आंसर अब ये दोनों जो हमारा प्रोडक्ट आए हैं जो यूनिट का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो वन थर्टी फोर आया और जब हमने नाइन टेन से मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा आया सिक्स थाउजेंड एंड थर्टी वो दोनों को हम जब एड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सो फोर प्लस जीरो इज फोर थ्री प्लस थ्री इज सिक्स वन प्लस जीरो इज वन एंड सिक्स एज इट इज बिकॉज सिक्स में कुछ भी एड करना नहीं है तो सिक्स को हम एज इट इज लिखेंगे सो वॉट इज अवर आंसर अवर आंसर इज सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर तो मैंने आपको ये पहला वाला प्रॉब्लम भी सोल्व करके दिया सेकेंड वाला भी सॉल्व किया अब आपको नेक्स्ट जो फोर प्रॉब्लम्स है वो आपको आपकी कॉपी में करना है जब आप इसको अच्छी तरह से करोगे देन यू विल गेट द प्रैक्टिस एंड यू विल डू द यू विल गेट द करेक्ट आंसर आपको यदि सही आंसर आना है तो इसके लिए इट वॉन्ट्स मोर प्रैक्टिस ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है ओके आई थिंक यू फॉलोड न्यू मैथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट इज वर्टिकल मैथड सो थैंक यू